डी न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर हीरो सफलता को बांटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मिथिला माध्यमिक परिक्रमा मड़ई पहुंचल संबंधी प्रशंसा। विश्व के सबसे लंबा धार्मिक पदयात्रा के रूप में चिन्हल जाय वाला मिथिला की महाकुंभ मिथिला माध्यमिक परिक्रमा आए छठम दिन महोदरी के मड़ई पहुंचल है। महोदरी सदर मुकाम जलेश्वर से भिनसारे परिक्रमा पासी सब आई मड़ई पहुंचल है। मिथिला शनि दिन से धनुषा के ठेरा कोचरी से यात्रा शुरू करने माध्यमिक परिक्रमा के यात्री सब क्रमशः धनुषा के हनुमानगढ़ी, भारत की मधुबनी जिला स्थित कल्याणेश्वर, गिरिजा स्थान मटिहानी आ जलेश्वर में पहिल, दोसर, तेसर, चारिम आ पाँचम दिन के रात्रि विश्राम कर चुकल। परिक्रमा में नेपाल आ भारत के विभिन्न स्थान के हजारों साधु संत एवं श्रद्धालु सबके सहभागिता रहा। जनकपुर धाम के अग्निकुंड से किशोरी जी अर्थात माता जानकी आ कोचरी मठ से मिथिला बिहारी अर्थात भगवान रामचंद्र के दू प्रमुख डोला के नेतृत्व में मिथिला माध्यमिक परिक्रमा विधिवत रूप में शुरू भेल छल। परिक्रमा में सहभागी सब आप क्रमशः मड़ई होत ध्रुवकुंड, कंचन वन, पर्वत्ता, धनुषा धाम और ही बिसौल होत पुनः कल्याणेश्वर और के बाद पूर्णिमा के दिन जनकपुर धाम घूरत। मिथिला की महाकुंभ कहकर चिन्हल जाय वाला महामहोत्सव में हजारों के सहभागिता रहल रहो। अ धार्मिक यात्रा के व्यावसायिक रूप देव नहीं सकनाय सरकार के कमजोरी रहल जानकी मंदिरक सहायक मंत राम लोशन दास के कह रहा है। परिक्रमा में सहभागी सब के लिए बेहतर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद 15 विश्राम स्थल में बिजली पानी लगायत की व्यवस्था मिलन है। परिक्रमा वासी सब रात गाम से दूर खुला चौर, बगीचा या पोखर के डील में विश्राम करते हैं। स्थानीय बासिंदा सब से सहभागी सब के लिए अन्न जारण के प्रबंध मिलवित है। नेपाल भारत दोनों देश के धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक सद्भाव के प्रतीक बनल परिक्रमा में यात्रा में नेपाल के 13 आ भारत के 2 का जमा 15 विश्राम स्थल सब रहा है। मिथिला महात्म्य अनुसार 18 शताब्दी से ई धार्मिक यात्रा के माध्यमिकी परिक्रमा के रूप में मनवित आयल। यात्रा के सहयात्री नेपाल के 107 एवं भारत के 26 का 133 किलोमीटर भूमि में पैदल यात्रा तय करवाक परंपरा रहा है। प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम के चारू कोना में स्थापना भेल 4 शिवालय कल्याणेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर आ सप्तेश्वर नाथ के आधार मानिक परिक्रमा करवाक परंपरा रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अंतरगिरी परिक्रमा समाप्त होलाक बाद उनके बिहान भने मधेश के जिला समय होली मनेबाक परंपरा। जनकपुर धाम बाजार के अधिकांश दुकान सब आई बंद भेल देखल गेल छल। बाजार अनुगमन टोली दुकान सब चेक जांच करवाक हल्ला फैलौल के बाद अधिकांश व्यापारी सब अपन दुकान बंद कयने अछि। एहिसँ पहिने सेहो मोतरी के और ही गौशाला जलेश्वर लगायत के विभिन्न ठाव में चेक जांच के क्रम तीव्र होबय लागल। कहत जनकपुर के व्यापारी सब सेहो हल्ला के भर में दुकान बंद कने देखल गेल अछि। विद्यापति चौक, राम चौक, रमानंद चौक, पिराड़ी चौक, भानु चौक, शिव चौक, जानकी चौक लगायत के ठाम सब के अधिकांश दुकान सब बृहस्पति दिन बंद देखल गेल छल। बाजार बंद किया रहल है से सफाल में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह व्यापारी सब हल्ला के भर में स्वयं अपन अपन दुकान बंद केने बतौलन। वो बाजार अनुगमन संबंध में अपना सबके कोनो आधिकारिक जानकारी नहीं आयल से जिक्र कलन कलन व्यापारी सब अपने हल्ला के भर में दुकान बंद केने। हम सब ककरो दुकान बंद कर नहीं कहने छी, इस संबंध में कोनो आधिकारिक जानकारी सेहो नहीं आयल। अध्यक्ष शाह सब व्यापारी के सहज भ क अपन व्यवसाय संचालन कर आग्रह कियन। नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष गोविंद आचार्य महासंघ के इतिहास में पहल बेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचन होबय लागल में खुशी व्यक्त कलने। महासंघ धनुषा शाखा के नवनिर्मित शास्त्री सभा कक्ष के आई उद्घाटन करते अध्यक्ष आचार्य लोकतंत्र के संस्था विकास के लिए पत्रकार सब अब निष्पक्ष भक कलम चलाव पड़वाक आवश्यकता पर जोर देने। वो श्रमजीवी पत्रकार सबके कल्याण कोष खड़ा करवाक लेल गृह कार्य अंतिम चरण में पहुंचल बतबैत लोक कल्याणकारी विज्ञापन के क्षेत्र में वर्ष के 4 अरब के कारोबार होत आयल में उनके 10% कल्याण कोष में राख के व्यवस्था से पत्रकारिता क्षेत्र के विकास में पैघ योगदान पहुंचत दावी कलन। अध्यक्ष आचार्य अखन कल्याण कोष में 6 करोड़ रकम जमा भेल आ उनके ब्याज से 65 वर्ष पूरा भेल। पत्रकार के मासिक 10,000 वृत्ति देव जका निर्देशिका बनेबा काम जारी रहा आ जल्दी कार्यान्वयन कल जेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कलन।
कल्याण कोष से ज्येष्ठ पत्रकार अपांग पत्रकार तथा ध्वंद्वमी परल पत्रकार सबके आर्थिक सहयोग प्रदान कल जेबाक बतौलन। नेपाल पत्रकार महासंघ धनसा शाखा के अध्यक्ष अनिल मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डीएम खनाल, प्रदेश पत्रकार महासंघ की कोषाध्यक्ष प्रवीण शाह, प्रेस मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष राजेश कर्ण, प्रेस चौधरी धनसा अध्यक्ष अवधेश कामत, प्रेस सेंटर के अध्यक्ष शैलेंद्र महतो क्रांति, दलित पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश दास सहित के वक्ता सब पत्रकारिता के हकित के विषय में अपन अपन धारणा रखने छल। महासंघ धनसा के नवनिर्मित दुतले भवन के निचका तला में व्यापारिक प्रयोजन के लिए दुकान, पहल तला में कार्यालय तथा ऊपर का तला में सभा कक्ष निर्माण कैल गए। वातानुकूलित सभा कक्ष के निर्माण भेलाक बाद महासंघ के कोनो भी कार्यक्रम आयोजन करबाक लेल आब दोसर ठाम जाय पड़बाक बाध्यता के अंत भेल। संगे अन्य संस्था सबसे कार्यक्रम के लिए सभा कक्ष के प्रयोग कर मिलबाक भेल। दू तला के भवन निर्माण में विभिन्न दाता सब आर्थिक सहयोग कयने। भवन निर्माण में कुल 1 करोड़ रुपया खर्च भेल। महासंघ के अध्यक्ष अनिल मिश्र जानकारी देने। जनकपुर उप महानगर पालिका के एक वार्ड कार्यालय में वार्ड अध्यक्ष के कार्यशैली प्रति असंतुष्टि जनबैत जनप्रतिनिधि सब ताला बंदी कलक। वार्ड नंबर 21 कुर्ता स्थित वार्ड कार्यालय में 3 गोट वार्ड सदस्य सब मिलकर वार्ड कार्यालय में ताला लगौने। वार्ड सदस्य सब महेंद्र महतो, वैद्यनाथ पंडित आ ककुंती देवी महरा स्थानवासी के सहयोग में कार्यालय में तालाबंदी कलक। वार्ड सदस्य महतो, वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ हर हिसाब सार्वजनिक ने कने योजना छनौट में मनमानी कने आ सड़क निर्माण में काखा पाखा कने आरोप लगबैत विभिन्न बारह बूंदी मांग सहित अपने सब तालाबंदी कने बतौलन। बेर बेर हर हिसाब सार्वजनिक कर आ सड़क निर्माण नक्शा अनुसार कर आग्रह कने रहो। वार्ड अध्यक्ष महासेठ बेवास्ता कने उनकर आरोप है। वार्ड अध्यक्ष महासेठ नातेदार के उपभोक्ता समिति बनाकर योजना संचालन कर रहा से उनकर उपराग रहा है। इससे पहले सदस्य उप महानगरपालिका के कार्यालय आ जिला प्रशासन कार्यालय धनसा में सेहो निवेदन दर्ता करौल छल। मुदा नगर प्रमुख लाल किशोर शाह आ प्रमुख जिलाधिकारी चाँख ने लेलाक बाद पाद्य भगत तालाबंदी कने उसे बतौलन। वार्ड स्तरीय अनुगमन समिति चयन कर पड़बाक वार्ड में कोनो काम भेला पर अनिवार्य वार्ड सदस्य की उपस्थिति होबय पड़बाक, योजना तर्जुमा स्थानीय आ वार्ड सदस्य के सलाह में होबय पड़बाक, आय व्यय सार्वजनिक कर पड़बाक आ विकास निर्माण के काम में होर्डिंग बोर्ड लगाव प्रभाग लगाए कि वार्ड सदस्य सबके 12 बूंदी मांग रहा है। वार्ड सदस्य वैद्यनाथ पंडित के अनुसार वार्ड अध्यक्ष सड़क निर्माण में अपन भाई नरेश महासेठ के घर बचाव सार्वजनिक जगह नीच देने कहलन। नापी भेला पर 7 फीट नरेश के घर टूटत कहल गए, मुदा वार्ड अध्यक्ष महासेठ सार्वजनिक कुट्टी के जगह मीच कर अपन भाई के घर बचौने। वोट के हिसाब से व्यक्तिगत रिसीवी के कारण वार्ड अध्यक्ष ककरो घर सार्वजनिक इनार कुट्टी तोड़ित आय के काज कने उनकर आरोप है। वो वार्ड अध्यक्ष महासेठ बल प्रयोग कर नक्शा विपरीत सड़क बनेबाक प्रयास कने सेहो दावी कलन। वो कहलन कुर्था स्थित बंधिया रोल में क्षेत्रीय सड़क निर्माण भरल है। 13 फीट से सड़क 33 फीट निर्माण उपचार रहा है। मिडिल पॉइंट कायम कर 10-10 फीट दुनू दिस लेब पड़बाक में वार्ड अध्यक्ष अपन भाई के घर बचाव कुट्टी के जमीन मिस देने। वार्ड अध्यक्ष के भाई नरेश महासेठ के घर 7 फीट तोड़ पड़बाक स्थानीय सबके मांग रहा है। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 में जल्दी चलचित्र बोर्ड की स्थापना करपाक बतौलन। मैथिली सिनेमा के वरिष्ठ कलाकार बद्री राउत के जनकपुर धाम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के संबोधन करते मंत्री यादव मधेश में निर्माण भ रहा सिनेमा सबके विशेष देखरेख निभला कारण से मधेश में बनावला सिनेमा प्रभावित बनित गेल बतबैत बोर्ड के स्थापना पश्चात कलाकार सबके सम्मान करबाक से लक स्थानीय भाषा के सिनेमा सब में सेहो सरकार लगानी करबाक बतौलन। भाषा अभ्यास के समृद्धि के लिए सिने जगत सेहो एकटा महत्वपूर्ण पार्टो के रूप में रहला से एक उद्धार के लिए प्रदेश सरकार अग्रसर रहल बतौलन। वो जनकपुर धाम के चर्चित टीवी चैनल टीवी टुडे जनकपुर से प्रसारित हुक्का लोली के महत्वपूर्ण अंग के रूप में रहल वरिष्ठ कलाकार बद्री राउत प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करे मंत्री राउत बद्री राउत सफल कलाकार मात्र नहीं रहकर वो ईमानदार आ गुणी व्यक्ति से रहल बतौलन। अपना संग व्यक्तिगत रूप में से चिन्हजान रहल बतबैत असल व्यवहारे हुनकर पहचान रहल आ हुनकर मृत्यु से मैथिली सिने जगत के लिए पैघ क्षति भेल बतौलन। काम के जो प्रतिभा सब छे से सदैव उनका जिंदा रखा उम्र भाई जिंदा काला के कारण आयु के दिन में हमारा सबके बीच में बदली रहा से हम उनका बहुत सारा
फिल्म सब संदेशमूलक कार्यक्रम सब में उनकर प्रस्तुति जैके कारण इस समुदाय के सकारात्मक दिशा थी उस समय गुड़ियावन के नाम उकाला माता जैकता उनकर कला के कारण हम सब प्रदेश ने देश ने जनकों ने एक समृद्ध समाज एकता विभेद रहित समाज के निर्माण करने बहुत बड़का भूमिका कहावत जय ठाम न पुगे रवि वहां पुगे होगालोनी टीम द्वारा जनकपुर धाम की पेड़ाड़ी चौक में आयोजना के कार्यक्रम में मिथिला नाट्य कला परिषद के अध्यक्ष परमेश झा रंग दर्पण के कलाकार सब वीएन पटेल लगाये होगालोनी के कलाकार सब की उपस्थिति रहल छल। नेकपा एमाले के झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्ष के राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट 17 बुंदी प्रस्ताव पारित कर संपन्न भेल अछि। बहुत दिन से शुरू भेल जमघट में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पेश कयने अवधारणा पत्र पर 10 समूह विमर्श कने आ उनका सबके सुझाव से समेट कर जमघट से 17 बुंदी प्रस्ताव पारित कैल गेल। प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराय जानकारी दिलन जमघट से ओली समूह के केंद्रीय कमेटी बैसार से कने निर्णय स्वीकार कने ओली के विभिन्न गतिविधि प्रति दुख व्यक्त करते जमघट से एकता पूर्व की स्थिति स्वीकार कर 28 गति के निर्णय रद्द कर मांग कलक। जमघट से संसद पुनर्स्थापना कर अदालत के फैसला के स्वागत कने एमाले आ माओवादी केंद्र के एकता बदल कृपा फैसला के निर्णय प्रति आपत्ति जनौलक। पत्रकार सम्मेलन में भट्टराय देशभर संगठनात्मक अभियान चलेबाक निर्णय भेल सेहो जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओली पार्टी विभाजन में लागल भेल रहितो अपने सब अंतिम धैर्य एकता बचा करा के प्रयास कने जानकारी ओ दिलन। अपने सब ओली बजौने चैत 7 के बैसार में निजबा कहे ओ बैसार में सहभागिताक लेल फागुन 23 गति बादक निर्णय सचियाव पड़बाक आ जेठ 2 गति आगा घूरऽ पड़बाक शर्त रहल सेहो बतौलन। हाम्रो पार्टीको एकता भङ्ग भइसकेपछि नेकपा एमाले पुरानो अवस्थामा फर्केको छ र 2075 साल जेठ 2 गते सम्म कायम भएका सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू जनवर्गीय संगठनहरू पेसागत संगठनहरू पार्टीका केन्द्रीय विभाग सम्पर्क मञ्च लगायतका सम्पूर्ण त्यो 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउने र ती कमिटीलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको समूहबाट त्यसमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ। हामी ती कमिटीहरूको बदलामा 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका कमिटीहरूको बदलामा बनाइएका अर्का कुनै पनि संरचनाहरूलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। यो भेलाको दोस्रो र महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष त्यो हो। साथै अर्को तेस्रो बुँदामा जमघट से ओली नेपाल के हित प्रतिकूल निर्णय के दावी करे सच्यावा तथा असमान संधि समझौता पुनरावलोकन कर मांग कलक। एमसीसी राष्ट्रीय हित अनुरूप हो पड़बाक जमघट के निष्कर्ष है। जमघट से देश के उचित निकास देव राजनीतिक दल सब संग आह्वान भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दा के छानबीन कर से मांग कलक। नेपाल कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह अखन के अवस्था में देश के निकास देवक लेल कांग्रेस अग्रणी की भूमिका निर्वाह कर पड़बाक बतौलन। आई काठमांडू 29 घट्टी कुल स्थित प्रहरी बीट उद्घाटन करित नेता सिंह वर्तमान अवस्था में सरकार के नेतृत्व कांग्रेस कर पड़ रहितो पाछा हटन नहीं हेबाक से बतौलन। जनता कम्युनिस्ट के मैंडेट देने रहितो कम्युनिस्ट सरकार सफल देखल गेल नेता सिंह के कहल ओ संविधान विरोधी आ लोकतंत्र विरोधी काम करे वाला प्रधानमंत्री ओली की सरकार के जल्दी से जल्दी हटाव पड़बाक में जोर दिलन। 5 वर्ष के मैंडेट पौने दल सरकार चलावा नहीं सकल वर्तमान अवस्था में दोसर सरकार बनाकर बाकी समय में निर्वाचन की तैयारी कर पड़बाक अपना सबकी धारणा रहल बतौलन। फेरी मैं तैयार मैं चुनेर पठाक र मैं के हो भन्दा राष्ट्रीय राजनीति में संसद में के भइरहेको छ भन्ने कुरा मैं तपाईहरुलाई सुसूचित करने र मैले जाने अनुसार को कुरा मैले तपाईहरुलाई भन्ने मेरो कर्तव्य पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यस कार्यक्रम मार्फत मैले यी सबै कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनेको चाहिँ छु। यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी यो चाहिँ अब भनौँ न देशमा यो चाहिँ अस्थिरता पैदा हुँदाखेरि जहिले पनि कांग्रेसले चाहिँ त्यो जिम्मेदारी चाहिँ लिएको छ। चाहे त्यो 17 सालको देशघाती कदम प्रजातन्त्रको हत्या गर्दाखेरि पनि प्रजातन्त्रको पुनर्बाली गर्नको लागि 30-30 वर्षसम्म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नै हो जसले कि
यो चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ पुनर्बहाली गर्नको लागि 30-30 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर 46 सालको जनआन्दोलनबाट फेरि चाहिँ प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरे। नेता सिंह राजनीति के सेवा से बेसी स्वार्थ केन्द्रित खिलाफ जनता में निराशा छायल बताने छे। नेकपा माओवादी केन्द्र के स्थायी समिति सदस्य वर्तमान कुन राज्य सत्ता राजनीतिक दल सब से जनता की निगरानी में रह प्रभाक आवश्यकता रहा बताने रहे। विकसित 21वीं शताब्दी के समाजवादी व्यवस्था के बातचीत करित काल की मर्म मतलब जनता से चुने प्रभाके रहा वो बतौलन। तैसम सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस के अवसर में माओवादी मुख्यालय पेरिस टाडा में आयोजित आजुक समाजवाद आ संगठनात्मक संस्कृति विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में पूर्ण चुना के आ चुनाय किसिम के जनवादी अभ्यास में जेबाक जाते राजनीति सुधरत जिक्र कलन। नेता पूर्ण आ लेनिनकालीन आ माओकालीन निभक 20वीं शताब्दी के समाजवादी क्रांति से पाठ सीख कर विकास कर पड़वाक से बतौलन। फरक प्रसंग में वो प्रधानमंत्री केपी ओली समाजवाद के रास्ता छोड़ खोजला से समस्या भेल जिक्र कलन। डॉक्टर के बस कर दिए बेसार पानी खाने प्रधानमंत्री कह बेसार पानी होके भाई लो तिम्रो ज्ञान कुन मेरे ज्ञान बहस कर डॉक्टर सब के अर्थ हो बहस को प्रधानमंत्री काम तो अलग पार्टी में जस्ते तब यो अलग काम पुगेन बोला ये कह पुगे सलाह लिख सीधी हाल ये तिमी को शक्ति से मेरे शक्ति लिखाईदी पार्टी नेता अर्क कोई समूह छाई सुरू कर धार्मिक समूह उसंग सुरू कर अब विपक्षी दललाई कहाँ छ यो कहाँ सुत्यो विपक्षी दलै छैन भनेर आफै थाहै भाषण गर्छ विपक्षी दल त उठ्नु पर्यो भन्दा यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो के भने हाम्रो सोसाइटीले अलिकति समावेशी खालको सहभागितामूलक खालको हाम्रो संविधान पनि छ कानुन पनि छ सोसाइटी पनि छ तर उहाँ अर्कोतिर हिँड्नु हो र यो चाहिँ भएन भन्ने मेरो चाहिँ धेरै ठाउँका भाषणहरू मेरो आफ्नो निष्कर्ष मेरो निजी हुन् त्यो पार्टीले निकालेको निष्कर्ष होइन तर हाम्रो सोसाइटी यसो छ भने हामीले मैले कहाँ ल्याउनु पऱ्यो समाजवादी पार्टी निर्माण गर्दा पनि हाम्रो सोसाइटी हाम्रो अनुभव हेर्दै हेर्दै एक बेर नेता भेलाक बाद सब दिन नेता नै रहत एक बेर क्रान्ति सँग जन्मल सत्ता सब दिन क्रान्तिकारी नै रहत नोकरशाही हेबाक खतरा रहल बतबैत ऊ राज्य सत्ता के जनता के निगरानी में रखबाक बात अही के मर्म अनुसार आयल बताने छलखिन। सप्तरी के तिलाटी कोलाड़ी गांवपालिका 5 बनरझोला टोल में बुधक रात भेल अगिलगी से 4 घर नष्ट भेलेश अगिलगी से 25 लाख बराबर के धनमाल नष्ट भेलेश तक मिझाबक क्रम में एक गोट घायल भेलेश। रात 10 बजे दिस वड़ा स्थित हरिकिसुन खंग के भनसा घर में रहल गैस सिलेंडर विस्फोट भेलाक बाद लागल आग फैल कर खंग के संगे पड़ोसी रामचंद्र खंग नक्षेदी खंग लगात के 4 घर जर कर पूर्ण रूप में नष्ट बनल। गांवपालिका के अध्यक्ष सतीश सिंह के अनुसार आग लागी से 25 लाख बराबर के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान कैल गेल। आग मिझबाक क्रम में हरिकुसुन खंग घायल भेल उनका तत्काल उद्धार करके इलाज के लिए गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल में भर्ना कराओल गए। गांवपालिका के विपद व्यवस्थापन अधिकृत राजेश झा जानकारी दिलन। राजविराज हनुमान नगर कंकाली नगरपालिका के बारून यंत्र प्रहरी आ स्थानीयवासी के मदद से 2 घंटा के प्रयास पश्चात आग पर नियंत्रण कायम कैल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक सिलिंडर फूटल आ गैस लीक भका आग लागल जेहन घटना इससे पहले से बेर बेर देख गया से अहिदीस आवश्यक सावधानी अपनाब प्रहरी अनुरोध कलक। नेकपा एमाले के संसदीय दल के बोर्ड गठन भेल। प्रधानमंत्री निवास बलवाचार में दल के नेता केपी ओली की अध्यक्षता में बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार से संसदीय बोर्ड गठन करबाक निर्णय कने। 3 गोट बाद में मनोनयन करबाक जका 24 सदस्यीय बोर्ड गठन भेल। बोर्ड में झलनाथ खनाल आ माधव कुमार नेपाल सहित ओ समूह के सांसद सबके से मनोनीत कैल गेल। बोर्ड में प्रधानमंत्री ओली सहित संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र निम्बांग प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई आ सचेतक शांता चौधरी पदेन सदस्य रहल। विधायक खनाल नेपाल सुमन पैकुरेल विमला राय राधा गिवाली दमोदर भंडारी विद्या भट्टराई राजेंद्र राय रेखा झा शेरबहादुर तमांग छविलाल विश्वकर्मा रघुवीर महासेठ नारद मुनि राणा मोहन बानिया उपेन्द्र थापा खेम लोहनी सरिता न्यूपाने विमला बीक से बोर्ड में रहल छथि। तहिना बैसार से संसदीय दल के विधान संशोधन के लिए प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई के संयोजकत्व में शेरबहादुर तमान आ विमला पौडेल राय के 3 सदस्यीय विधान संशोधन कार्यदल गठन कने सांसद शेरबहादुर तमान जानकारी दिलन। कार्यदल के 7 गते संसदीय दल के बैसार में विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव तैयार कर पेश करबाक जिम्मेदारी दल गेल ओ बतौलन। एमालेको संसदीय बोर्ड
गठन गरिरहेको थिएन, धेरै लामो समय भएको थियो र बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले संसदीय दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा अहिले 24 सदस्य रहेको बोर्ड गठन भएको छ। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेम्बाङ, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्त चौधरी उहाँहरू परेन हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक हामीले आजको बैठकबाट झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, सुमन प्याकुरेल, विमला राई, खिमलाल भट्टराई, राधा गेवाली, दामोदर भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, राजेन्द्र राई, रेखा झा, शेरबहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नारदमुनि राणा, मोहन बानिया, भूपेन्द्र थापा, खेम लोहनी, सरिता नेउपाने, विमला बिका रहेको चाहिँ अहिले 24 सदस्य संसदीय विसारसा गुटगत गतिविधि करबलाके कारवाही करबाक विषयमे विमर्श आ निर्णय नै केने हुनकर कहप्राल अछि। हरेक विसारमे 100% सांसद उपस्थित हुन सकबाक है। ओ दोसर विसार 7 गते भिनसर 10:30 बजे बलुवाटारीमे बैसक उल्लेख कयलनि। बलुवाटार विसारमे नेता माधव कुमार नेपाल पक्षके अधिकांश सांसद सब सहभागिनी भेल। ललितपुरके सानिपामे रहल एक होटलमे बृहस्पतिके भिनसर विमर्श कऽ कऽ पहिले बलुवाटार विसारमे जेबाक निर्णय कयने, ओ सब आन्तरिक विरोधके बाद पुनः नै जेबाक निष्कर्षमे पहुँचल छल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारके प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैद्यनाथ चौधरी पर्यटकके लक्षित कऽ कऽ गुणस्तरीय सुविधा सम्पन्न यात्रुवाहक बस सञ्चालन करय आग्रह कयने अछि। आइ बुटवलमे पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रणालीके प्रथम अधिवेशन 2077 के शपथ ग्रहण तथा पदस्थापन कार्यक्रमके सम्बोधन करैत मन्त्री चौधरी आब जल्दिए गौतम बुद्ध इन्टरनेशनल एयरपोर्ट सञ्चालनमे आब लागल कहे। व्यवसायी सबके पर्यटकके लक्षित कऽ कऽ सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बस सञ्चालन करय आग्रह कयलनि अछि मंत्री चौधरी। कोरोना महामारी के कारण सब क्षेत्र सब अहिना जम चुकल स्मरण करे बस व्यवसायी सबसे समस्या पड़ल बतौलन चौधरी। सरकार बस व्यवसायी सबकी संपूर्ण समस्या सब समाधान कर नहीं सकल स्वीकार करे, प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार भीतर रह कर सकबाक समस्या सब समाधान कर प्रदेश सरकार तैयार रहल से जानकारी दिलन। बिचको बाटो लिने र यसलाई स्वैच्छिक हिसाबले चाहिँ अब तिर्नेले तिर्नुहुन्छ, नतिर्नेले मैले अब यो मल्टिमिडिया मैले प्रयोग गर्दिनँ भनेर पनि छुट्टी पाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बिचको बाटो अख्तियार गरेका थियौँ। र अहिले जुन पूर्वोक्त साथीहरूले गुनासो पनि गर्नुभयो कि जबरजस्ती गर्ने कुरा, अब यो कानुनमा उल्लेख भइसके पछाडि अथवा एक खालको समझदारी भएर हामीले जुन निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ, अब त्यसमा फेरि जबरजस्ती गर्ने कुरा रहँदैन। अब यो अब स्वैच्छिक भनेपछि जसले बुझाउनुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ, नबुझाउनेले अब मैले मल्टिमिडिया प्रयोग गर्दिनँ भनेपछि अब त्यो कुनै कर कामको कुरो छैन। कुनै पनि रातो प्लेटले जुन प्रयोजनको लागि गाडी किनिएको हो अब त्यो प्रयोजनको लागि मात्रै उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउँछन् र भाडा उठाउन पाउँदैन। कार्यक्रम यातायात व्यवसायी सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठ सरकार यातायात व्यवसायी की समस्या समाधान करबाक सबटा अपराधी के जेहन व्यवहार कने आरोप लगौने छ। बेस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया, देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।